नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। अभद्र टिप्पणी से नाराज पत्रकारों ने दिया ज्ञापन। नगर निरीक्षक ने दिया 7 दिवस के अंदर कार्यवाही करने का आश्वासन। मामला थाना चिरमिरी का है, जहां राजनीति में आते ही सत्ता सुख में लीन कुछ व्यक्तियों द्वारा वरिष्ठ पत्रकार त्यागी जी को फेसबुक द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई, जिसकी जानकारी मिलते ही समस्त मीडिया के कर्मचारी एवं पत्रकार संघ के लोगों द्वारा आज सुबह थाना चिरमिरी में लिखित रूप से शिकायत देते हुए FIR दर्ज करने की मांग की गई। इसमें कहा गया कि यह केवल एक व्यक्ति विशेष का ही नहीं, बल्कि पूरे पत्रकार संघ समाज का अपमान किया गया है, जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुँचाने की कोशिश भी की गई है और समाज में उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ सभी पत्रकार गणों द्वारा यह भी मांग की गई कि 7 दिवस के अंदर यदि शासन प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है, तो जल्द ही यह एक आंदोलन का रूप लेगा, जिसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की होगी। मुझे रात्रि में करीब 10:30 बजे मेरे मित्रों के द्वारा फोन पर बताया गया कि आपके साथ ही आपके फेसबुक पर अभद्र भाषा का आपके प्रति इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं असहमति जिसको है मेरे पत्रकारिता से, मेरे समाचारों से, परंतु उनको इतनी अभिव्यक्ति नहीं है कि मेरे प्रति, मेरे चरित्र पर उंगली उठाएं और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें। मैं पुलिस से अभी शिकायत किया हूँ, कभी अपने पत्रकार साथियों के साथ में वो कानूनी कार्रवाई करने के लिए। चौधरी जी का एक लिखित शिकायत प्राप्त हुआ है, जिसको जांच में रखा गया है। मामला असंगीय है और न्यायालय से संबंधित है, मानहानि से संबंधित है, इसलिए न्यायालय से आदेश प्राप्त कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये जो मामला है मानहानि से संबंधित है और उसके पत्रकार के ख्याति सम्मान से संबंध से जुड़ा हुआ प्रश्न है, उससे माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त करके तुरंत बताने की कार्रवाई की जाएगी। IT एक्ट की कौन कौन सी धाराओं के तहत इसमें कार्रवाई होगी, अगर अदालत से आप इसकी जानकारी लेते हैं? 66A के तहत होता है और ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने 66A को जो है अभी रद्द कर दिया है। तो ये माना जाए कि IT एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई नहीं हुआ, चूंकि जब आप बता रहे हैं वो रद्द हो चुका है, तो IT एक्ट के तहत मामला नहीं बनता है? मानहानि से संबंधित है, मानहानि से संबंधित कार्रवाई से आदेश प्राप्त करने के पश्चात किया जाएगा। उसमें एक सप्ताह का समय दिया गया है, हम जानना चाहते हैं कि एक सप्ताह के भीतर ऐसी क्या कार्रवाई होगी जिससे हम पत्रकार जन संतुष्ट हो पाएंगे। खबर समय जगत के लिए कोरिया से नोहर प्रसाद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। समय जगत, एक संदेश पूरा देश।